video nitwale nyweze. Hello guys, good morning. So welcome back to my channel Explore with Ranjan. So let's start with the one new blog. तो अभी ये जो ब्लॉग है मेरा ट्रैवल प्लान है, तो अभी तुर्की का प्लान है बेसिकली. तो अभी मैं नीचे उतर गया, अभी टैक्सी के लिए वेट कर रहा हूँ. एंड ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो उसके लिए मैं पार्ट वाइज बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, पार्ट वन पार्ट टू करके. सो टैक्सी का इंतज़ार ख़त्म, अभी टैक्सी पहुँच चुका है एंड बैग भी रेडी हो गया, आपने देख रहे हो अभी. तो अभी लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी. So we'll talk in between on the way. So basically अभी जो ट्रैफिक है ना, सुबह सुबह इतना ट्रैफिक होता है भाई, ड्यूटी जाने आने के लिए तो काफ़ी तकलीफ होता है मेरे को, बट जाना पड़ता है, क्या करें. तो अभी ये जो भाई साहब है हम लोग की टैक्सी में, ये लेके जाने वाले हैं. एंड लुक एट द स्पीडोमीटर, इट्स ऑलमोस्ट मे 5 to 10 आई थिंक किलोमीटर्स इट इज गोइंग. सो ये स्पीड में गाड़ी चल रहा है, तो मेरे को अभी 15 मिनट के जागा 1 घंटा लगेगा. और ये तो गाड़ी में देखो सो गए, छोटा बच्चा जाग रही है बट बाकी दोनों बड़े सो गए हैं अभी, तो गाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं लोग. बाप रे बाप, इतना ट्रैफिक के बाद में फाइनली हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच गए. सो आफ्टर 45 to 50 मिनट्स आई थिंक, सो 15-20 मिनट का जागा इतना टाइम लिया मेरे को. तभी एयरपोर्ट में उतर के फिर चलते हैं अंदर. चलो चलो जल्दी भागो, इतना धीरे चलोगे तो कैसे होगा. सो नाउ वी आर इनसाइड द एयरपोर्ट टर्मिनल 3. तो यहाँ पे चलते हैं, तो आगे मेरे ख्याल से चेक इन एरिया इसका डिफरेंट है. तो तुर्की के लिए आई थिंक डिफरेंट चेक इन एरिया है, मेरे ख्याल से नंबर 3 आई थिंक चेक इन एरिया 3 जाना पड़ेगा हम लोगों को. तो वहाँ पे फिर बैगेज ड्रॉप करेंगे. तो ऑनलाइन चेक इन में किया हुआ था ऐसे भी, तो बैगेज दी तो चेक इन 3 एरिया एक्चुअली. तो यहाँ पर जाके बैगेज ड्रॉप करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर चलते हैं आगे. सो नाउ दे हैव चेक्ड आवर वीज़ा. सो तुर्की का जो वीज़ा बनाया था वो चेक किया अभी, सो दैट प्रोसेस इज डन. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग द वीज़ा प्रोसेस, देन आई कैन शेयर सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई कैन शेयर इट. गॉट द बोर्डिंग पास. सो वन ऑफ द टिकट माइट बी अपग्रेड टू द बिजनेस क्लास फॉर माई वाइफ, सो लेट्स सी इन द गेट इफ दे आर अपग्रेडिंग, आई थिंक वुड बी ग्रेट. सो लेट्स गो थ्रू द इमिग्रेशन. ये जो दिख रहा है आपको ये अभी ई गेट है, तो हम लोग नॉर्मल चेक इन प्रोसेस में जाएंगे क्योंकि बच्चे लोग हैं मेरे साथ. तो हम लोग का जो गेट है आई थिंक गेट नंबर C11, तो C11 के लिए काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा अभी, तो उसके लिए अभी धीरे 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 चलते हैं अभी. सो इतना चलने के बाद अभी आ गया C11. सो फाइनली रेडी टू टेक ऑफ. हाँ, सो बिजनेस क्लास टिकट मिल गया, अभी मुंह में स्माइल आ रहा है, शाबाश, सो के जाएंगे. तो अभी बच्चे को बच्चे मिल गया, उसके लिए खेलना शुरू हो गया हम लोगों ने. हाँ,
3 for you. 3 for you. Hello, let's go. Let's go into the flight. Show the gate. See, here. There. Thank you. Follow, bhai. Bhai, follow. Good morning. Yes, yeah, good morning. Let's go. Come. Good morning. Yeah, go ahead. ID5, Ivan, next cabin. Huh? Yeah, don't go out, huh? Inside. Sorry. Hi, good morning. This is the food for baby, huh? Yeah. Let's eat. So, let's eat. Yeah. We'll see what is that inside. यहाँ पे मैडम जी बिजनेस क्लास में लाउंज में बैठे हुए और मैं नीचे बैचलर को लेके बैठा हुआ बस सही है। सही है, मजे करो तुम मजे। चलो सी या बाय से बाय 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 थैंक यू बाय चलो वी फाइनली रीच इस्तांबुल सही है। 3 रुपया इधर किया जॉर्जिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी इस्तांबुल में। हाँ एक्चुअली फ्लाइट थोड़ा डिले था क्योंकि 2 घंटे का डिले है। तो वहाँ पे एक्चुअली दुबई में कुछ ATC का परमिशन नहीं मिल रहा था, उसके लिए 2 घंटा डिले हो गया। तो फ्लाइट में इंतज़ार करना बैठ के, ओहो 4 घंटे, 4.5 घंटे की जगह 6 घंटा, 6.5 घंटा हो गया। तो ये है, ये दुबई यार, सॉरी इस्तांबुल एयरपोर्ट के एमिरेट्स का फ्लाइट हम लोग जाया, एयरपोर्ट है हमारा, दुबई फ्लाइट भी इधर है। चलो कितने ठीक से, चलो चलो सी या हाय लेट्स गो। चलो आने के टाइम दुबई एयरपोर्ट, दुबई D2P देखे थे तो अभी इस्तांबुल का एयरपोर्ट देखते। तो आज आने जाने का जो प्रोसेस इसमें ब्लॉग खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग का अभी जो प्लान है, अभी उल्लू डक जाना है, फिर वहाँ पे शायद क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फॉलो करेंगे। तो अभी तो इमिग्रेशन वगैरह सब लेके बैगेज लेके कार रेंटल के पास जाएंगे। सो देन विल गो, सो लेट्स कीप फॉलोइंग। Stay for the channel, like, comment and subscribe. चलो exit. यहाँ पे इमिग्रेशन देखो कितना भीड़ है यार, बहुत भीड़ है, लेकिन सुना कि काफी जल्दी क्लियर हो जाता है। देखते ये इस्तांबुल ड्यूटी फ्री है। तो
जैसे बैगेज क्लेम के लिए आके ना इधर नीचे ड्यूटी फ्री है, तो ड्यूटी फ्री से थोड़ा लेफ्ट साइड में भी बैगेज कैरासोल से, तो हम लोग का जो एमिरेट्स की है अभी 10 नंबर कैरासोल में लगेज आया हुआ, तो लेट्स गो एंड कलेक्ट। 10 हमारा बैगेज क्लेम नंबर 10। चलो ये भी एयरपोर्ट अच्छा है, एयरपोर्ट अच्छा है, पर लैंग्वेज नहीं पता है। क्या लैंग्वेज नहीं पता? लैंग्वेज क्या है उन लोगों का? तुर्किश लैंग्वेज है ना? हम तुर्किश लैंग्वेज है? एयरपोर्ट से निकलते बाहर लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टेलीकॉम का जो सिम कार्ड मिल जाएगा अपनों को, और एक्चुअली टर्कसेल अच्छा नेटवर्क कवरेज है यहाँ पर जितना इंक्वायरी किया हुआ। जो टेलीकॉम सेक्शन है वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रेंटे कार का सेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग रेंटे कार लिया हुआ, आवेक रेंटे कार से मैंने किया था। मैं रेंटे कार का जो लिंक वो डाल दूँगा जो वेबसाइट से लिया मैंने। रेंटे कार पास चलते फिर गाड़ी लेने के बाद दिखाते हैं फिर कैसा है क्या है। आवेक यहाँ पे है। तो यहाँ मैंने वेट कर रहा हूँ फिलहाल अपना पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस और वाउचर लेके, तो अभी देखते हैं कौन सा गाड़ी कैसे मिल रहा है। आई अपडेट यू। बंद कर। Yeah, because I saw the review from internet regarding Avek, then I book it. Say hi, so. चलो, so finally गाड़ी मिल गया, Audi Q2, तो let's see, अभी निकलते हैं, अभी यहाँ से मैं, यहाँ पार्किंग एरिया है, तो यहाँ से निकल के ना इधर गेट नंबर 9 है, तो गेट नंबर 9 से एग्जिट करके और रोड क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुछ लिफ्ट है, हाँ यहाँ पे लिफ्ट है, ओके, सो वी हैव टू एग्जिट देन अपोजिट द रोड विल फाइंड अ लिफ्ट देन वी हैव टू गो टू R2, वहाँ जाके आप एक कार रेंट कार है। दो साइड में एयरपोर्ट है, वहाँ से अराइव हो गए, यहाँ से आके फिर आपको यहाँ पे लिफ्ट मिलेगा, तो ये लिफ्ट में R2 जाना है। चलो इवेंट चलो लास्ट चलो ये अच्छा तोड़ R2 पूरा पार्किंग पूरा पार्किंग चलो खेला।
Second was Volkswagen T-Roc 2022 model. Yep. So I am recommending all of you guys for the Avek Rent-A-Car. It is really, they are giving the good service as well as the good car. So guys, we are at the end of the part 1 block. And now this is the clips for the upcoming videos, which you can see all the drone shots and all. And keep following, stay on the channels, so you can see many more videos and maybe you can get some information also for your trip, so you can plan it accordingly. And if you guys like the video, so please do like, share and subscribe. And if you have not done, so please do it.